राजू मीना स्कूल का समय हो गया, जल्दी करो राजू। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है, और मिट्टू तुम्हें? स्कूल स्कूल। अच्छा बच्चों, अच्छा ना। मुझे लगता है मिट्टू अपनी बहन का घोंसला देखना चाहता है। चलो चढ़कर देखते हैं। देखो, एक दो तीन चार पांच अंडे। पांच अंडे। स्कूल। आओ, दौड़ लगाते हैं। सुनील, जरा अलमारी से चौक तो लाना। खाना पीना तो सबको अच्छा लगता है, तो आज हम सही भोजन के बारे में कुछ बात करेंगे। सुनील, ऐसे नहीं, धीमे से। देखो इस तरह। हाँ, तुम्हारे विचार से सेहत के लिए जो भोजन अच्छा है उसका चित्र बना के दिखाओ। कितना मजा आ रहा है। ये गाजर थोड़े ही है। बहन जी, मेरी माँ कहती है सेहतमंद खाने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है मीना। बहन जी, ये है हमारा अच्छा भोजन। पालक, दाल, पपीता और चपाती। शाबाश। तुम्हारा देखिए, ये है मछली, चावल, केला और मैं हूँ कद्दू। कद्दू, कद्दू। अच्छा अच्छा, मजा आया ना? बहन जी, क्या हम कल ऐसा ही कुछ करेंगे? नहीं, मैं तुम्हें यही बताने वाली थी। कल से मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कुछ हफ्तों के लिए टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। इस बीच एक दूसरी बहन जी पढ़ाएंगी। मुझे विश्वास है तुम मन लगाकर पढ़ोगे और कई नई बातें सीख जाओगे। देखो, दो चूजे। मिट्टू मामा, ओह कितने बदसूरत हैं। देखो, इनकी माँ को पता है कि इनके लिए क्या अच्छा है। नई बहन जी आ रही हैं, पहुँचने में देर नहीं होनी चाहिए। ओफो राजू, देर हो जाएगी। सुनो बच्चों, मैं हूँ नई अध्यापिका, मुझे बहन जी कहना। तुम देर से आए हो, अब बैठ जाओ। माफ कर दीजिए बहन जी। चुप, बैठ जाओ। मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, तुम्हारा काम मुंह बंद करके सुनना है। ध्यान लगाकर सुनो ताकि कुछ सीख सको, मेरे इस बढ़िया तोते की तरह। आज हम पोषाहार के बारे में पढ़ेंगे। पोषाहार के बारे में? पोषण के पांच प्रकार होते हैं। पांच प्रकार होते हैं। तुम सब मेरे बात बोलो। विटामिन, विटामिन। प्रोटीन, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ना ना ना, बातें बंद। और तुम लड़के, वो चीज मेरे पास लाओ। ये गई सलमारी में। बहन जी, ये धीरे से बंद होता है। तुम्हारी ये हिम्मत, अब तुम मुझे अलमारी खोलना सिखाओगी? जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। ये बच्चे, आगे बढ़ते हैं। खनिज, खनिज। चिकनाई, चिकनाई। प्रतिदिन खाने में इतना, प्रतिदिन खाने में इतना।
क्या हुआ मीना? नहीं बहन जी, इस पर गुस्सा हुई। नहीं, मुझे उनका पढ़ाया कुछ भी समझ में नहीं आया। चिकनाई, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। नहीं मिट्ठू, आज नहीं। आज देर नहीं होनी चाहिए। आज तुम लोग पूरा ध्यान लगाकर सुनना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी लीवर के बारे में। लीवर के बारे में? बहन जी, लीवर क्या होता है? सवाल मत पूछो लड़की, बस तो रहते जाओ। लीवर एक सीधी छड़ होती है। लीवर एक सीधी छड़ होती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। ये ठोस ढांचा होता है जिसका एक बिंदु आधार कहलाता है। कक्षा की है। ओ लड़की, क्या फुसफुसा रही हो? खड़ी हो जाओ, सच सच बताओ। वो बहन जी, ये पुस्तक हमारी नहीं है, शायद पांचवी की है। गलत किताब? अच्छी बात है, बस बहुत हुआ, चलो बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। पर बहन जी। बाहर। फिर से दोहराओ, लीवर एक सीधी छड़ होती है। लीवर एक सीधी छड़ होती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। क्यों, क्या बात है मीना? बहन जी ने आज इसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। ओ मीना, तुम्हारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ओहो तारा, नहीं बहन जी, कभी कुछ समझाती ही नहीं। हमें लीवर के बारे में पढ़ा रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि लीवर क्या होता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जानती हूँ मीना, तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, पर स्कूल क्यों नहीं जाना? नहीं, बहन जी भी तो आ सकती हैं। लीवर, मुझे याद है जब हम पांचवी में थे तो हमने लीवर के बारे में पढ़ा था। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गांव में तो लीवर का हरदम प्रयोग होता रहता है। देखो मीना, मेरा भाई उस कटे हुए पेड़ के ठूंठ को उठाने के लिए लीवर का इस्तेमाल कर रहा है। ये छड़ पहले तने के ऊपर जाती है, फिर पेड़ के ठूंठ के नीचे, फिर वह दूसरे सिरे को दबाता है। देखा, इसे कहते हैं लीवर। आओ मीना, मेरी मदद करो। लीवर। लीवर से काम कितना आसान हो गया। लीवर, लीवर। हाँ, अब मेरी समझ में आया। तारा, तुम अच्छा पढ़ाती हो। ध्यान से सुनो। आज तुम्हें पढ़ाने का मेरा आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ तुम सब पूरा मन लगाकर सुनो। आज हम राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहराओ, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। ढाका राजधानी है। इधर लाओ इसे। उफ। मैंने अपने शैतान बच्चे उफ पहले कहीं नहीं देखा। मुझे बाहर निकालो। अरे मुझे बाहर निकालो। बहुत भारी है। ढाका
अरे कुछ करो कुछ करो। ये क्या कर रही हो तुम? बस एक मिनट, हम आपको बाहर निकालेंगे बहन जी। देखो ये उड़ रहा है। उड़ रहा है। जल्दी इन्हें बाहर निकालो। देखो बच्चों मैं आ गई। कहो आज क्या पढ़ रहे हो? लीवर के बारे में। लीवर? क्या बात है, बहुत कुछ सीख गए हो। बहन जी आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई? हाँ ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रही। चलो अब मैं चलती हूँ। अच्छा बच्चों। नमस्ते बहन जी। और मीना आज मैंने कुछ सीखा है, मैं भी टीचर ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी। देखो जरा मीना ये कितने खूबसूरत हैं। बिल्कुल आप जैसे मिठू मामा। ये तो उड़ रहे हैं। मुझे स्कूल अच्छा लगता है। स्कूल अच्छा लगता है। खुशियाँ दे क्या दे हम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं। पूरे करें उनको मन चाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। लड़की भी जाए स्कूल सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना। भाई जैसे